CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आज़ादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशात पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है। कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान सहर का था ना इफ्तारी का। कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं। जी आदाब बजा लाता हूं जनाब, मोहानी की खिदमत में। अरे आप, आदाब अर्ज आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी जी शुक्रिया। माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें। जी बस जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते। जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं। ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं? जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया, मोहानी साहब जी, ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो? चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको। क्या मतलब? हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी। ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे। क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई? आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई। या खुदा, नौश फरमाइए मियां, लाइए खाइए। हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं। हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शोरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे। लिख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए। इरशाद ग्रामी है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी। वाह क्या बात है, है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी। वाह एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात, क्या बात। बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया। जना क्या खूब गजल कहते हैं आप। मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया। आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से। जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब। माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है। क्या जी? एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं। अरे मोहानी साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए। आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें। नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे। मोहानी साहब खामखा खर्च कैसा? देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैर बात कहकर कानपुर आ गए और यहां भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया।
हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए। बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही। जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें। इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल। जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शब्बा खैर। शब्बा खैर। बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है, और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले। हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं। मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयाते जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का। अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है। हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी। सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। हसरत मोहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, वैभव श्रीवास्तव, किशोर सहजानी और बाबला कोचर, ध्वनि अंकन बटी लैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग
तनु गुप्ता, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।